मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का। मुंबई में आज और कल भारी बारिश की संभावना। IMD ने राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आम नागरिकों के अलावा इसका असर किसानों पर भी पड़ रहा है। असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई इलाकों में बाढ़ आने की वजह से कई एकड़ फसलें डूब गई हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में दलहन तिलहन और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मिर्जापुर, कन्नौज, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी आज भी जारी रहेगी। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश होगी, जो बादल गरजने व बिजली गिरने के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी गति की बरसेगी। इसका असर हालांकि पूर्वी राजस्थान में ज्यादा रहेगा। इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के ज्यादातर स्थानों पर, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बरसात का असर उत्तर प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान सोमवार को पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा व झालावाड़ जिलों में कुछ जगह भारी बरसात हो सकती है, जबकि अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर जिलों में हल्की व कहीं कहीं मध्यम गति की बरसात होने की संभावना है। वहीं मंगलवार को भी पूर्वी राजस्थान के अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही व टोंक जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की, जबकि बारा, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। मुंबई में बारिश से अभी कोई राहत मिलता नजर नहीं आ रही है। पिछले हफ्तों से शुरू हुआ बारिश का दौर इस हफ्ते भी जारी रहने वाला है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जुलाई तक भारी से बेहद भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की है। विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र के सभी जिलों में 64 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश होगी। गौरतलब है कि 1 जून से मुंबई को छोड़कर राज्य में औसत 336 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्यतः वर्षा का 107% है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें 28 मिलीमीटर की गिरावट आई है। ओडिशा में मानसूनी एवं कम दबाव के प्रभाव से बारिश का दौर जारी है। 14 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए पीली चेतावनी जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश तट के समीप कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके प्रभाव से कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को लेकर 24 घंटों के लिए 7 जिलों में पीली चेतावनी जारी की गई है। पीली चेतावनी वाले इलाकों में कंधमाल, नवरंगपुर, नुआपड़ा, कोरापुट, कालाहांडी, बालांगीर, बरगढ़ जिला शामिल है। इन जिलों में वज्रपात गिरने के साथ भारी बारिश होने की संभावना। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।